अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल। जैसा कि आप जानते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें तमाम स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल होने वाले स्टील बार्स की लंबाइयाँ और उनको कितना बेंड करना है उसकी डायमेंशन पुट की जाती है। इससे हमें फील्ड में स्टील फिक्सिंग में आसानी होती है, वक्त की बचत होती है और स्टील ज़ाया होने से बच जाता है। आज सबसे पहले मैं एक स्लेब में इस्तेमाल होने वाले स्टील बार्स के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्लेब की ड्राइंग है। इस ड्राइंग के मुताबिक स्लेब की डायमेंशन है 10x15 फीट, यानी इसकी चौड़ाई 10 फुट जबकि लंबाई 15 फुट है। अगर आप देखें तो इसमें दो किस्म के स्टील बार्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एक को मैंने ग्रीन कलर किया है और एक को रेड। अब ग्रीन कलर जो है वो 4 सूत्र का सरिया है और ये 10 इंच के फासले पर सेंटर टू सेंटर ये इस्तेमाल होगा। इसी तरह जो रेड कलर का सरिया है ये 6 सूत्र का है और ये 8 इंच सेंटर टू सेंटर इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो रेड कलर है इसको बेसिकली लॉन्ग बार कहा जाएगा और जो ग्रीन कलर है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। लॉन्ग बार्स बेसिकली जो जिस साइड की लंबाई ज़्यादा होती है उसके पैरेलल जो हम सरिये बिछाते हैं वो लॉन्ग बार्स होते हैं और उसके परपेंडिकुलर जो हम सरिये बिछाते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहते हैं। जैसा कि आप दूसरे प्लान में देख सकते हैं कि इन सरियों की तरतीब हमारे पास कुछ यूँ होंगी। जो लॉन्ग बार्स होंगे वो डिवाइड होंगे हमारे शॉर्ट साइड के ऊपर और जो शॉर्ट बार्स होंगे वो डिवाइड हो रहे हैं हमारे लॉन्ग साइड्स के ऊपर। इसी तरह अगर इसके क्रॉस सेक्शन को देखें तो मैंने इसको ये जो BB मैंने इसको एक नाम दिया है क्रॉस सेक्शन को और ये क्रॉस सेक्शन मैंने शो किया है। आप देख सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन के मुताबिक मेरे पास जो स्टील है 10 साइड के ऊपर जो मेरे पास यानी 10 फीट की लंबाई के साथ पैरेलल जो इस्तेमाल हो रही वो शॉर्ट बार है तो हम 10 फीट मुकम्मल सरिया नहीं डालते बल्कि उसमें हम कुछ हिस्सा उसका कंक्रीट कवर का छोड़ेंगे ताकि सरिया कंक्रीट से बाहर ना निकले। दोनों अतराफ में मैंने 1-1 इंच इसमें कंक्रीट कवर दिया है। सो हमारे पास जो लेंथ बनती है वो 9 फीट 10 इंचेस है। इसी तरह इसमें मैंने 1 फुट जो है वो पैरेलल हुक दिया है इसके और परपेंडिकुलर हुक मैंने 3 इंचेस दिया है। परपेंडिकुलर हुक जो है उसकी डायमेंशन मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो परपेंडिकुलर हुक है वो 3 इंचेस है और जो पैरेलल सरिये के पैरेलल हुक आ रहा है वो 1 फीट मैंने दिया है। ये हुक्स बेसिकली एज़ पर रिक्वायरमेंट दिए जाते हैं। स्पेशली ये जो पैरेलल हुक मैंने दिया है ये बेसिकली 90 के एंगल पे होता है वर्टिकल हुक के साथ और ये इसलिए दिया जाता है ताकि एंड्स के ऊपर जो शेयर फोर्स पैदा होती है उसके नतीजे में पैदा होने वाली शेयर स्ट्रेस को कुछ हिस्सा तो उसका कंक्रीट बर्दाश्त कर लेता है लेकिन जब कंक्रीट की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो फिर हम उसमें सरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको जो है वो सरिया उस एक्स्ट्रा शीयर स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। सो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे बाकायदा और उस टेबल की तरतीब कुछ यूँ होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसका टाइटल दिया है बार बेंडिंग शेड्यूल। इसके बाद मैंने कुछ कॉलम्स इसमें बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर का होगा एज़ यूजुअल। इसके बाद हम मेंबर का नेम लिखेंगे, मेंबर नेम यानी उसका नाम कि स्लेब है, कॉलम है या दीगर स्ट्रक्चर। इसके बाद इसका शेप कोड होता है। शेप कोड हम जो है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक 8666 इसका कोड है और इसके मुताबिक हमें ये तमाम कोड्स हर स्ट्रक्चर के लिए, हर स्टील के लिए उसके मुताबिक उसकी बेंडिंग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक्चुअल लेंथ स्ट्रक्चर की एक्चुअल लेंथ होगी, जितनी स्ट्रक्चर की लेंथ और विड्थ होती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कंक्रीट कवर जितना हमने दिया है वो लिखेंगे और ये हमेशा एक्चुअल लेंथ में से माइनस होगा। इसके बाद एक्स्ट्रा लेंथ या बेंडिंग होती है, मैंने यहाँ पे L1, L2, L3 एंड सो ऑन L5 तक दिए हैं।
अब ये लेंथ बेसिकली डिपेंड करते हैं, मैंने यहाँ पे 5 दिए, अगर ज़रूरत हो तो इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है 6, 7, 8। ये बेसिकली L1 से हम यहाँ पे मुराद ले सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है वो हुक प्रोवाइड किया 90 के एंगल पे। L2 में हम लिख सकते हैं कि हमने हुक प्रोवाइड किया है 35 के एंगल पे, या फिर आगे हमने जो है वो ओवरलेप दिया है वगैरह वगैरह। कोई भी एक्स्ट्रा लेंथ जो होगी वो हम इसमें प्लस करेंगे। ये याद रखेंगे कि एक्स्ट्रा लेंथ हमेशा प्लस होगी जबकि कंक्रीट कवर माइनस होगा। फिर माइनस करने के बाद और प्लस करने के बाद एक्चुअल लेंथ से जो जवाब आएगा हमारे पास वो कट लेंथ कहलाएगा, यानी उतना सरिया हम फील्ड में काम के दौरान कटवाएंगे स्टील फिक्सर से। इसी तरह नंबर ऑफ बार्स में डिपेंड करेगा कि उस स्ट्रक्चर में कितने बार्स इस्तेमाल हो रही हैं, मेंबर उस किस्म के और मज़ीद कितने मेंबर्स हैं, कितने स्ट्रक्चर्स हैं। और टोटल लेंथ हम इंचेस में भी लिखेंगे, फीट में भी लिखेंगे। इसी तरह वेट पर फुट हम लिखेंगे, जो हम डाया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरिया जिस डाया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसमें शामिल होगा। और इसके बाद टोटल वेट हम लिखेंगे। सो इस तरह हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा सरिये का, और इसकी लेंथ भी आ जाएगी जो हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन काटनी होंगी, वो सरिये उनकी लेंथ भी हमारे पास आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने मज़ीद एक कॉलम का इजाफा किया जिसमें हम इसका डाया बार भी लिखेंगे। इससे हमें आसानी हो जाएगी कि जो डाया बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वेट पर फुट कितना है। ये मैंने अपनी आसानी के लिए इस टेबल को तरतीब दिया है। इस टेबल को कई शक्लों में तरतीब दिया जा सकता है, यानी इसमें हम कॉलम्स की जो तरतीब है उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मुझे चूंकि ये ज़्यादा आसान लगा है सो इसको मैंने तरतीब दिया है। और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरीके से इसको फॉलो करें ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें मैं दो किस्म के सरिये इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक लॉन्ग बार से और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार। सो सबसे पहले हमें लॉन्ग बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की तादाद मालूम करनी है, और इसका एक ख़ास तरीका कार होता है। अब नंबर ऑफ बार्स इन ईच मेंबर मालूम करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो लॉन्ग बार्स लेंगे। लॉन्ग बार्स 6 सूत्र की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डाया बार है उसका लॉन्ग बार का वो 6 है, 6 सूत्र, और ये 8 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे इस्तेमाल होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग बार है वो डिवाइड होता है शॉर्ट स्पेन के ऊपर, सो मैं इसको शॉर्ट स्पेन के ऊपर डिवाइड करूँगा 8 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के साथ। सो इसका तरीका कार ये होता है कि हमारे पास जो शॉर्ट स्पेन है इसके ऊपर मैंने इसको चूँकि डिवाइड करना है, तो शॉर्ट स्पेन मेरे पास 10 फीट है, सो मैंने ले लिया 10। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 12 के साथ, वो इसलिए कि 10 फीट है मेरे पास और मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 12 ये इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा ये शॉर्ट स्पेन। इसी तरह 8 पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 8 इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है लॉन्ग बार का। सो लॉन्ग बार ये याद रखें कि हमेशा डिवाइड होते हैं शॉर्ट स्पेन के ऊपर। प्लस 1 मैंने इसलिए किया कि ये रूल है कि हमेशा एक सरिया इजाफी इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 8 प्लस 1 करता हूँ तो मेरे पास 16 नंबर्स आते हैं। तो मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने जितने डाया बार्स इस्तेमाल जितने लॉन्ग बार्स इस्तेमाल किए आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो आप देखें अगर ये 1 में ना प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर 15 आता है। अब यहाँ पे 15 बार्स के बजाय 16 इस्तेमाल होते हैं, तो ये एक हमेशा इजाफी होता है। और असल में हमारे पास जो लाइन होती है वो सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, तो 1 नंबर हम उसमें इजाफी देते हैं। सो तरीकाकार क्या हुआ कि लॉन्ग बार्स मालूम करने के लिए लॉन्ग बार की स्पेसिंग लेंगे और उस पे उसको डिवाइड करेंगे टोटल लेंथ पे, और लेंथ हमारे पास इंचेस में होनी चाहिए। सो हमारे पास फीट में थी, मैंने इंचेस में कन्वर्ट कर दी, और एक प्लस करेंगे सो 16 नंबर्स हमारे पास लॉन्ग बार्स के आ जाएंगे। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो शॉर्ट बार्स हैं, और ये बार्स जो हैं बेसिकली शॉर्ट स्पेन के पैरेलल इस्तेमाल होंगी और ये डिवाइड होंगी लॉन्ग स्पेन के ऊपर। सो मेरे पास इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 10 इंचेस है। सो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल डिस्टेंस लूँगा, और ये आप देख सकते हैं लॉन्ग बार हमारे पास 15 फीट है। सो मैं शॉर्ट बार्स को या डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को डिवाइड करूँगा लॉन्ग स्पेन के ऊपर। सो मैं 15 को मल्टीप्लाई करूँगा 12 से ताकि ये इंचेस में कन्वर्ट हो जाए। टोटल स्पेन को मैंने इंचेस में कन्वर्ट किया और टोटल स्पेन डिवाइड कर दिया शॉर्ट बार के जो है वो स्पेसिंग के साथ, तो स्पेसिंग थी 10 इंचेस, और प्लस 1 एज पर रूल किया तो मेरे पास 19 बार आई। सो इस तरह मेरे पास ये जो है बार्स की तादाद मालूम हो जाती है। अब मैं बाकायदा तौर पर इनको जो है वो इनकी जो लेंथ है कट लेंथ और टोटल वेट इसका फाइंड आउट करूँगा।
सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है स्लेब, और स्लेब में दो किस्म के मेंबर्स हैं। एक को हम लॉन्ग बार्स कह रहे हैं, यानी मेन बार्स, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार। लॉन्ग बार को मैं मेन बार भी कह सकता हूँ, सो मेन बार्स। तो सबसे पहले हम मेन बार्स मालूम करेंगे। शेप कोड, शेप कोड बेसिकली हमारे पास ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के बार्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के शेप्स होते हैं। सो मैं वो आपसे डिस्कस करता चलूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और आपको ब्रिटिश कोड्स जो हैं वो समझना होते हैं इसके लिए। दी स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास शेप कोड 22 पे एक शेप डायग्राम बनी हुई है, जिसे आप देख रहे हैं। इसमें सेमी सर्कल कुछ हिस्सा है, कुछ स्ट्रेट है, उसके पैरेलल कुछ हिस्सा है, कुछ वर्टिकल हिस्सा है। सो इनकी मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशंस होती हैं, ये मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास इसकी पूरी तफसील है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड 8666 है, और इसमें जो स्टील बार्स हैं उनके हुक्स जो हम प्रोवाइड करेंगे और इनकी जो शेप्स हैं वो दी गई हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसके कोड हमें याद नहीं रह सकते, तो हम सिंपल इसके साथ शेप्स बना देते हैं। सो इससे भी हमें आसानी रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो बार्स की जो शेप है वो बेसिकली 1 फीट मैंने जो है वो हॉरिजेंटल हुक दिया है, 3 इंचज़ जो है वो मैंने वर्टिकल हुक दिया है, और बाकी शेप की लेंथ में से मैंने कंक्रीट कवर डिडक्ट करके बाकी सरिये की जो है वो लेंथ आती है। सो मेरे पास जो शेप बनेगा इसको मैं शेप कोड में ड्रा कर दूंगा। इससे मुझे आसानी होगी समझने में कि मेरे हुक्स किस तरह प्रोवाइड हुए हुए हैं। सो मैंने यहाँ पे शेप कोड लिखने के बजाय शेप डायग्राम बना दी है, इससे समझने में ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा ये जो BS मैंने शेप कोड के साथ लिखे, इससे मुराद ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड है। इसका मतलब है कि हम जो है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड कोड्स को फॉलो करेंगे। अब शेप डायग्राम बनाने के बाद मैं जाऊंगा एक्चुअल लेंथ की तरफ। अब चूंकि मैं मेन बार्स जो है वो उसके लिए जो उसकी लेंथ फाइंड करनी है, सो एक्चुअल लेंथ मेन बार की आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल लेंथ ऑफ मेन बार जो है वो लॉन्ग साइड के पैरेलल है। सो लॉन्ग साइड की एक्चुअल लेंथ है 15 फीट। सो 15 फीट में लिखूंगा, लेकिन मैं 15 फीट लिखने के बजाय इसको इंचज़ में कन्वर्ट कर दूंगा, सो मुझे ज़्यादा आसानी रहेगी। सो मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 के साथ, ये इक्वल बनते हैं 180 इंचज़। सो मैं इसको इंचज़ में लिख दूंगा, 180 इंचज़। इसके अलावा हम इसके साथ लिख सकते हैं कि इसकी जो हमने डायमेंशन ली है वो इंचज़ में ली है। सो मैं ब्रेकेट डालूंगा और इंच का साइन लगा देता हूँ, तो इससे भी आसानी रहती है समझने में। सो 180 इंचज़ मेरे पास टोटल लेंथ है। कंक्रीट कवर इसमें से दोनों अतराफ में 2 इंच माइनस होगा। वो क्यों माइनस होगा, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जितने भी स्टील बार्स हैं उनको कंक्रीट के अंदर रखा है, ताकि ये कंक्रीट से बाहर ना निकले और इसकी ग्रिप मजबूत बने। तो दोनों तरफ से 1-1 इंच कंक्रीट कवर मैंने दिया है। सो मेरे पास दोनों तरफ से ये जो है वो कंक्रीट कवर डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा लेंथ अगर आप देखें तो इसमें दो किस्म के हुक्स हैं। पहले हैं वर्टिकल हुक, दोनों तरफ में 3-3 इंच वर्टिकल हुक्स हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये बेसिकली ये आप देख सकते हैं 3 इंच, और जो पैरेलल है 1 फीट है, और ये भी दोनों तरफ हैं। सो दो 1 फीट के हुक्स और दो 3-3 इंचज़ के हुक्स हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट हुक है वो 3 इंचज़, दोनों तरफ 6 इंचज़ हो जाएंगे, और इसके बाद जो हुक दिए हैं वो 2 फीट हैं, तो 2 फीट को मैं लिख सकता हूँ 24 इंचज़, मैं उसको इंचज़ में कन्वर्ट कर दूँगा। इस तरह हम बाकी हमारे पास जो है वो L3, L4 और L5 की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसकी कट लेंथ लिखेंगे। सो कट लेंथ का तरीका है, मैं इक्वल का साइन डालूंगा और एक्चुअल लेंथ में से माइनस करूंगा कंक्रीट कवर, और इसके बाद इसमें प्लस कर दूंगा L1, L2। सो मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी 208 इंचज़। इसके बाद हम नंबर ऑफ बार्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स आप देख सकते हैं कि लॉन्ग बार्स की जो तादाद हमने निकाली है वो 16 नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 16। नंबर ऑफ मेंबर चूंकि एक ही स्लेब है हमारे पास, तो 1 लिखेंगे। अब टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आती है, यानी एक बार की लेंथ हमारे पास आई है 208 इंचज़।
सो हमारे पास 16 बार्स की लेंथ कितनी आएगी, तो ऑब्वियसली हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, यानी 208 मल्टीप्लाई बाय 16. सो सिंपल इक्वल का साइन डालूंगा और मैं मल्टीप्लाई करूंगा कट लेंथ को नंबर ऑफ बार्स के साथ, और अगर हमारे पास मेंबर भी हैं सो मैं मल्टीप्लाई बाय, अगर एक मेंबर है तो एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो मेंबर है तो दो से, तो इस तरह हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी. अब हमारे पास लेंथ आ रही है 3328 इंचेस. सो इसको मैं इसके बाद फीट में कन्वर्ट करूँगा. उसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि हम जो वेट पर फुट यहाँ पे इसका लिखेंगे तो हमारे पास वेट पर फुट होगा, तो हमें लेंथ भी जो है वो फ़ोटो में चाहिए होगी. सो मैं इसका जो है वो लेंथ फ़ोटो में लिखूँगा. इसके लिए तरीकाकार ये है कि हमारे पास टोटल लेंथ है 3322 इंचेस, डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 12 के ऊपर. सो मेरे पास इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी 276.833. आप देख सकते हैं 833. सो अप टू थ्री डिजिट्स 833 फीट. अब हमारे पास ये लेंथ फीट में आ गई. जो हम डाया यूज़ कर रहे हैं, फिर दोबारा ड्राइंग की तरफ मैं जाऊंगा, जो डाया मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग बार्स का, वो है 6 सूत्र, जिसको हम लिख सकते हैं 6/8 इंचेस, क्योंकि एक इंच में 8 सूत्र होते हैं, तो 6/8 इंचेस इसको कहा जा सकता है. इसी तरह मज़ीद इसको अगर हम मुख्तसर करें तो 3/4 भी इसको हम लिख सकते हैं, 3/4 इंचेस. सो डाया है हमारे पास, मैं सूत्र का निशान डालूँगा और इसके साथ लिख दूंगा 6, तो 6 का हमारे पास डाया. अब वेट पर फुट, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर 6 सूत्र डाया का एक बार हो और 1 फुट लंबी हो, तो उसका जो वेट होता है वो कितना होता है. इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जो टेबल है. अब आप देख सकते हैं मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ और वेट पर फुट दिए हैं, और वेट मेरे पास पाउंड्स में है, LBs में है, क्योंकि मैं FPS सिस्टम में काम करूँ, ब्रिटिश सिस्टम में, तो मेरे पास पाउंड्स में उसके वेट्स आ रहे हैं. 6 सूत्र का सरिया मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पर फुट उसकी जो पाउंड्स हैं या वेट है वो आप देख सकते हैं कि 1.502 है. सो मैं टेबल से इसको यहाँ पे पुट कर दूँगा 1.502. तो ये अगर मेरे पास 1 फुट लंबा सरिया होगा तो उसका वेट LBs में 1.502 होगा. मैं वेट के बजाय यहाँ पे अगर LBs लिख दूँ तो भी आसानी रहेगी, इसका मतलब भी वेट होता है. सो और मज़ीद अगर इसमें मैं तब्दीली करना चाहूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका वेट लिख दूँगा. सो आप देख सकते हैं कि मैंने वेट भी लिख लिया और नीचे LBs पर फुट लिख लिया है. मज़ीद इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर देता हूँ, LBs इसको स्मॉल में लिख देता हूँ, LBs पर फुट. तो मेरे पास जो है वो LBs पर फुट इसका वज़न आ रहा है. अब टोटल वेट मालूम करने के लिए मेरे पास जितनी भी इसकी लेंथ आई होती है टोटल लेंथ फीट में, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके वेट पर फुट के साथ, तो मेरे पास टोटल वेट जो है वो LBs में आ जाएगा. मसलन मेरे पास इसकी जो लेंथ आई है 276.833 है, इसको मैं सो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा इन्हेंस कर दूँ ताकि इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आए. 276.833. सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा LBs पर फुट यानी इसके वज़न के साथ, और मेरे पास टोटल जो है वो वज़न आ जाएगा. सो मैं मल्टीप्लाई करूँगा टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट पर फुट विच इज़ इक्वल टू 415.8 LBs इसका वज़न आ जाएगा. यहाँ पे हम इसका यूनिट भी लिख लेंगे. सो इसका यूनिट होगा LBs, सॉरी इसका यूनिट नहीं लिखा गया, दोबारा इसको लिखते हैं. सो इसका यूनिट आ जाएगा हमारे पास LBs. सो इस तरह हमारे पास जो बार 16 यूज़ हो रही हैं, 16 बार्स हैं और 6 सूत्र इसका डाया है, तो इसका वज़न हमारे पास 415.8 LBs यानी पाउंड्स वज़न आ रहा है. इसके बाद हम जाएंगे जो सेकंड वन बार्स हैं हमारे पास, इसके लिए मैं स्मॉल ए एंड देन बी, जो दूसरा मेंबर है बी मेंबर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स.
चलिए मैं मुख्तसर भी लिख सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। इसके बाद इसका जो शेप कोड होगा वो भी जैसे ऊपर वाला हमारे पास शेप कोड बना हुआ है या शेप डायग्राम है, वही हम इसके लिए यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूँगा। और इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, अगर हम इसके जो ड्राइंग हेजर से इसकी एक्चुअल लेंथ देखें, तो आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन बार की एक्चुअल लेंथ जो शेप के मुताबिक बनती है वो है 10 फीट। सो मेरे पास एक्चुअल लेंथ इसकी 10 फीट आ रही है। इसको मैं इंचेस में कन्वर्ट करूँगा, 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँगा, सो मेरे पास इंचेस में इसकी लेंथ आ जाएगी। सो ये होगी 120 इंचेस, यानी 10 × 12। कंक्रीट कवर इसमें भी 2 इंच हम माइनस करेंगे दोनों तरफ से, और ये मैं बता चुका हूँ इसको क्यों माइनस करते हैं। इसके बाद इसी तरह इसकी भी जो हुक्स हैं वो 6 हम प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल, यानी 3-3 इंच दोनों तरफ, और 24 हम प्रोवाइड करेंगे इसके हॉरिजॉन्टल हुक्स, 12 इंचेस एक साइड पे और 12 इंचेस दूसरी साइड पे। इस तरह बाकी जो है वो L4 L5 तक हमें ज़रूरत नहीं होती। अब इसकी जो है एक्चुअल लेंथ कट लेंथ मालूम करने के लिए मैं टोटल लेंथ में से माइनस करूँगा, टोटल लेंथ में से माइनस करूँगा कंक्रीट कवर, और प्लस कर दूंगा मेरे पास कट लेंथ आती है 148 इंचेस। नंबर ऑफ मेंबर्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की जो तादाद है वो है 19 नंबर्स। सो मैं लिखूंगा 19, इसके बाद चूंकि एक ही स्लेब है तो 1 नंबर, और टोटल लेंथ अब हमारे पास आएगी, इसके लिए मैं इक्वल का साइन डालूंगा और कट लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके नंबर ऑफ बार्स और नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ। सो मेरे पास टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी। इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, चूंकि मैं जो है वो एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा आसानी होती है एक्सेल में यूज़ करते हुए इसको फार्मूलों की मदद से। इसी तरह जो इसका जो डाया बार है वो हमारे पास, इसको सबसे पहले हम फुट में कन्वर्ट कर दें, 2812 इंचेस इसकी लेंथ आ रही है, तो फीट में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल डिवाइड कर दूँगा 12 के ऊपर, यानी 2812 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 234.333 अप टू 3 डिजिट्स इसको हम लिखेंगे। जो डाया बार हम यूज़ कर रहे हैं वो है 4 सूत्र। हमारे पास जो इसकी इसका जो टोटल वज़न आएगा, उससे पहले हम देखेंगे कि पर फुट इसका वज़न कितना आता है, यानी 1 फुट अगर लंबा सरिया होगा तो उसका वज़न कितना होगा, अगर 234.33 फुट लंबा सरिया होगा तो उसका वज़न कितना होगा। सबसे पहले 1 फुट के लिए, तो इसके लिए मैं टेबल देखूँगा। आप देख सकते हैं कि 4 सूत्र का जो हमारे पास सरिया होता है, यानी जो आधा इंच होता है हमारे पास सरिया, उसका वज़न होता है 0.668। सो मैं सिंपल 0.668 इसका वज़न पुट कर दूंगा पर फुट, और टोटल वेट के लिए मैं इक्वल का साइन डालूंगा, और जो हमारे पास टोटल लेंथ आती है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पर फुट लेंथ के साथ। तो मेरे पास इसका टोटल वज़न 156.53 और इसका जो यूनिट है वो है LB। सो इस तरह मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हल हो जाती हैं। अब हमारे पास टोटल जो इसका वज़न आएगा, इसके लिए मैं टोटल कर दूंगा इसको। पूरी स्लेब में हमारे पास जो सरिया इस्तेमाल होगा उसका टोटल वज़न निकालने के लिए मैं दोनों किस्म के बार्स को जो है वो जमा कर दूँगा। मेरे पास टोटल आंसर आया 572.34 LBs। अब अगर इन LBs को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं केजीज में, तो मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.4536 के साथ, इससे मेरे पास इसका वज़न केजीज में आ जाएगा। इसके लिए तरीकाकार ये है कि जो मेरे पास LBs में वज़न आया है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 0.4536 केजीज बेसिकली 1 LBs में होते हैं। ये मेरे पास केजीज का यूनिट है।
ये 1 kg का बेसिकली, 1 lbs में इतने केजीज होते हैं, 1 lbs इज इक्वल टू 0.4536 kg। सो हमारे पास 572 lbs हैं, सो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.4536 के साथ 572.34। केजीज में मेरे पास वजन आ जाएगा 259.61 kg। सो इस तरह हमारे पास जो है इसका जो बार बेंडिंग शेड्यूल है उसके मुताबिक वज़न निकल आता है। लेकिन चूंकि हमें पीएस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सो हमें केजीज में ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इसको एलबीज में फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं इसको कैसे हम जो है वो केजीज में कन्वर्ट करें, क्योंकि जब हम मार्केट से परचेज करते हैं तो अमूमन केजीज में करते हैं या टन्स में करते हैं, सो मैंने इसको सिंपल केजीज में कन्वर्ट कर दिए। टन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे जो केजी का आंसर होगा, सो हमारे पास टन्स में आ जाएगा, क्योंकि 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजीज के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हैं। अब इसके मुताबिक किसी भी सरिये, 1 फुट लंबे सरिये का, 1 फुट लंबे स्टील बार का वज़न मालूम करने के लिए हम बेसिकली उसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है उसकी डाया की मदद से उसका एरिया मालूम करते हैं और यूनिट लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट लेंथ से मुराद 1 फुट भी हो सकता है 1 मीटर में। अगर हम मीटर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो 1 मीटर कंसिडर करेंगे, और अगर FPS सिस्टम में काम कर रहे हैं तो 1 फुट। क्योंकि मैं FPS सिस्टम में काम करूँ तो मैंने 1 फीट लिखा है, इससे हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब बेसिकली जो हमारे पास वेट होता है ये 490 lbs पर क्यूबिक फुट होता है, CFT। मैंने यहाँ पे फीट लिखे, ये बेसिकली CFT क्यूबिक फुट होता है, इसको मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देता हूँ। सो हमारे पास जो वज़न होता है वो 490 lbs पर क्यूबिक फुट, ये स्टील का स्पेसिफिक वेट है। यानी 1 क्यूबिक फुट का अगर हमारे पास सरिया होगा तो उसका 490 lbs वेट होगा। तो हमारे पास कितने क्यूबिक फुट का सरिया है कि उसका वज़न हम मालूम कर सकें। सो हम वॉल्यूम इस हिस्से से मालूम करेंगे, फार्मूले का ये हिस्सा जिसमें पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ यूनिट बचता है एलबीस का। चूंकि 1 फुट लंबा सरिया होता है सो हम उसको पर फुट कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास डाया 4 सूत्र का है, सो 4 सूत्र के डाया से वेट मालूम करने के लिए मैं फार्मूले के मुताबिक पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। डी इज बेसिकली जो डायमीटर है उसको डिनोट करता है। देख सकते हैं कि डायमीटर मेरे पास सूत्र में था, उसको मैंने चेंज किया फुट में, क्योंकि मेरे पास एलबीस पर क्यूबिक फुट है, यूनिट फुट का है, सो मैं सूत्र में काम नहीं कर सकता। तो मैंने सूत्र को पहले चेंज किया इंचेस में और इंचेस को फिर चेंज किया फुट में। अगर आप देखें तो 4 को डिवाइड बाय 8, अब बेसिकली 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं, तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 8 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 0.5 इंचेस आए। फिर फिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 0.5 को डिवाइड बाय 12 किया, मेरे पास फिट में आंसर आया 0.416 फीट। पाई डी स्केयर यानी 0.04167 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइड बाय 4। अब मैं अगर इसको कैलकुलेटर यूज़ करते हुए फाइंड आउट करूं तो आप देख सकते हैं 0.4167 स्केयर का मतलब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉरी, इसको मैं दोबारा लिखूं, 0.04167 मल्टीप्लाई बाय 0.04167 विच इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 3.142। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 3.142 के साथ और आंसर आया ये। अब मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 4 के साथ और वापस मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा, सो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम को जब मैं स्पेसिफिक वेट से यानी 490 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखें मेरे पास आंसर आता है 0.668। अब अगर मैं अपने शेड्यूल में चला जाऊं जो मैंने अभी बनाया है, तो इसमें मैंने 4 सूत्र के सरिये का जो वज़न है वो 0.668 रखा है, और जो मैंने अभी वज़न मालूम किया है आपके सामने है कि वो 0.668 बिल्कुल एग्जैक्ट वज़न आता है। तो टेबल से अगर हम मालूम करें तो भी, और अगर हम उसको प्रॉपर, क्योंकि टेबल से ये होता है कि आपके पास टेबल अवेलेबल हर जगह ना हो तो फिर आपको मसला रहता है। सो आप
इस फार्मूले की मदद से सरिए का जो स्टील है, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टील, ये बेसिकली स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टील है, इसको कास्ट आयरन, रॉट आयरन के लिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। सो उसका अपना महसूस वज़न होता है। सो आज के चैप्टर में चूंकि हम स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टील ही पढ़ रहे हैं या स्टील का वेट ही निकाल रहे हैं, सो मैं स्टील का स्पेसिफिक वेट यूज़ कर रहा हूँ। सो इस तरह हम जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए जो है वो वेट पर फुट निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।